आदमी के घर में बांसुरी होगा। दोस्तों आज हम बांसुरी के प्रयोग के बारे में बताएं। अगर आप समझ लिए तो इतना फायदा लेकर देगा कि आप समझ इसका जो प्रयोग है, क्योंकि इसमें धन के लिए भी ये काम करता है, बुरी आत्मा के लिए भी काम करता है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी काम करता है। सबसे पहले अगर आपके घर में कोई भी आदमी लंबे समय तक बीमार रहता है तो आप अपने घर के गेट पे दो बांसुरी, बांस की बांसुरी को इस साइज में करके आप अपने घर पर लगा सकते हैं। आपको धीरे धीरे सुधार मिल जाएगा। घर में अगर वास्तु की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बस वास्तु की कोई भी समस्या है, लगता है कि अगर आपका दक्षिण की दिशा में गेट है या ऐसी कुछ स्थिति है जिससे कि वास्तु की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो पंचमुखी यंत्र के साथ में अगर बांसुरी मिल जाता है और दोनों बांसुरी को इस साइज में कर अगर आप गेट पर लगाते हैं तो इससे अकाल मृत्यु भी टालने का ताकत रखता है। ये सिर्फ बांसुरी जो बांस का होता है। यहाँ पे हम सोने और चांदी की भी बांसुरी के बारे में बात करेंगे, तो आप इसे अच्छे तरह से देखते रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर बांसुरी की एक सबसे खास बात यह है कि अगर बांस की बांसुरी है, अगर आप से हाथ अपने हाथ में रख के सिर्फ शाम को बजाते हैं या हिलाते हैं तो भी आपके घर में की जो निगेटिव एनर्जी है वो सदा के लिए चला जाएगा, बशर्ते कि ये 46 से 45 दिन तक आपको करना पड़ेगा तो ही ये हो सकता है। अगर चांदी की बांसुरी अगर आप अपने घर में रखते हैं तो इससे सुख शांति समृद्धि का विकास होता है, इसमें सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर सोने की बांसुरी अगर आप अपने घर में रखते हैं तो इससे पैसे की बढ़ोतरी होती है, पैसा जो आता है वो खर्चा नहीं होती है। ऐसी स्थिति जो है शास्त्रों में बताया गया है। तो अगर आपके पास में कोई भी बांसुरी है तो इसका प्रयोग आप ले सकते हैं। आपके पास में कौन सी समस्या है जिसका प्रयोग बांसुरी के लिए करना चाहते हैं, आप नीचे जरूर कमेंट में लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर आप उपाय की सीरीज को सीखना चाहते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कुछ भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैड सब्सक्रिप्शन लेकर भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसका सीरीज है, वो सीरीज हर सीरीज का क्लास होता है, उस क्लास में आप भाग ले सकते हैं और उसमें आप पढ़ के दूसरे को भी मदद कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप नुमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं।